फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में स्टार पैटर्न के बारे में देखा था। आज हम उसी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम सीखेंगे नंबर पैटर्न। हमारा पहला पैटर्न है। अब ये पैटर्न डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहाँ 3 नंबर ऑफ रोज है, जो आउटर लूप के कंडीशन में लिखना है। दूसरा, हमें ये देखना है कि यहाँ कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यहाँ हर रो के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और ये वेरिएबल हमें इनर लूप के कंडीशन में लिखना होता है। फिर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ फर्स्ट रो में एक कॉलम है, जो हमें लूप स्टार्ट होने के पहले इनिशियलाइज करना होगा। अब ये देखना है कि ये कॉलम्स हर रो में इंक्रीज हो गए या डिक्रीज। यहाँ हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो रहे, इसलिए नेक्स्ट लाइन के बाद हमें लिखना होगा वी प्लस प्लस, जो इनर लूप के कंडीशन में है। अब यहाँ ये देखना है कि हमारा डिस्प्ले कॉन्स्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, इसलिए हमें डिस्प्ले के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अब ये जो डिस्प्ले है, उसका फर्स्ट रो में इनिशियल वैल्यू क्या है वो देखना होगा। तो यहाँ इसका वैल्यू है 1। अब इस डिस्प्ले वेरिएबल को प्रिंटेफ में लिखेंगे। अब ये देखना होगा कि ये डिस्प्ले वेरिएबल का वैल्यू का चेंज कैसे है, यानी हर डिस्प्ले के बाद चेंज हो रहा है या हर रो में चेंज हो रहा है। तो यहाँ हर रो में चेंज हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्ले वैल्यू हम नेक्स्ट लाइन के बाद, यानी स्लैश एन के बाद इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इस पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहाँ इस पैटर्न के लिए सबसे पहले देखना होगा नंबर ऑफ रोज, जो 5 है, इसलिए आउटर लूप में चेंज किया 5। अब देखना है हर रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ हर रो में वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब देखना है फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो फर्स्ट रो में 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसलिए लिखा 5 लूप स्टार्ट होने के पहले, जो इनर लूप के कंडीशन में है। अब ये देखना है कि ये कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट लाइन के बाद लिखना होगा माइनस माइनस। अब ये देखना है कि हमारा जो डिस्प्ले है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब देखना है कि फर्स्ट रो में इस डिस्प्ले का इनिशियल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल वैल्यू है 1। अब ये वैल्यू का चेंज किस तरह से है, यानी ये जो डिस्प्ले का चेंज है वो हर डिस्प्ले के बाद होता है या रो के बाद चेंज होता है। तो यहाँ ये हर डिस्प्ले के बाद चेंज हो रहा है, रो के लिए जब वो नेक्स्ट रो में जाता है तो उसका वैल्यू है 1। तो हर डिस्प्ले के बाद चेंज है, इसलिए डिस्प्ले करने के बाद हम उसे इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है।
तो अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो इस पैटर्न में भी हमें ये 6 पॉइंट्स देखना है। पहला क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है 5। अब देखना होगा कि हर रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वी यानी वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट रो में कितने हैं, तो फर्स्ट रो में 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो के लिए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखना है डिस्प्ले, तो हर रो का स्टार्टिंग डिस्प्ले क्या है, तो वो है रो नंबर यानी कि आर जो आउटर लूप में हमने लिया था। नेक्स्ट है कि डिस्प्ले का चेंज किस तरह से हो रहा है, यानी कि हर डिस्प्ले के बाद चेंज हो रहा है कि रो चेंज होने के बाद ही चेंज हो रहा है, तो यहां पे वो हर डिस्प्ले के बाद हो रहा है। अब इसे कोडिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो वो है 5। आउटर लूप में चेंज करना होगा 5। अब देखना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर ईच रो, तो इसलिए हमने वेरिएबल लिया है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ फर्स्ट रो में 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब देखना है कि ये कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब डिस्प्ले के लिए देखना है, तो यहां पे डिस्प्ले वेरिएबल है, तो डिक्लेयर किया डिस्प्ले के लिए वेरिएबल। अब देखना है कि डिस्प्ले का इनिशियल वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट रो में डिस्प्ले का फर्स्ट वैल्यू जो है वो है रो नंबर, इसलिए हम इसे इनर लूप के पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा इनिशियल वैल्यू है आर जो आउटर लूप का वेरिएबल है। अब डिस्प्ले करने के लिए अब देखना है कि ये डिस्प्ले का चेंजेस कैसे है, तो इसका चेंजेस हर डिस्प्ले के बाद है, इसलिए डिस्प्ले प्रिंट करने के बाद उसे चेंज करना होगा। अब इस पैटर्न के लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ ये देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3 और 4। अब देखना है कि हर रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हर रो में वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम्स है जो हम इनर लूप के कंडीशन में लिखते हैं। अब देखना है कि फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो फर्स्ट रो में 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो लूप स्टार्ट होने के पहले लिखना होगा वी का वैल्यू 4। अब ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो के बाद डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखेंगे डिस्प्ले के बारे में, तो स्टार्ट ऑफ द रो में हमारा डिस्प्ले है 5, नेक्स्ट रो में है 4, उसके बाद है 3, तो
फर्स्ट रो का जो इनिशियल डिस्प्ले है वो है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो यहाँ पे 4 है उससे एक ज्यादा, मतलब हमारा वी जो 4 है तो वी में प्लस 1। सो हर रो में उसका जो इनिशियल डिस्प्ले है वो नंबर ऑफ कॉलम्स से एक ज्यादा है। अब डिस्प्ले का चेंज कैसे है, तो यहाँ पे डिस्प्ले डिक्रीमेंट हो रहा है।